देखिए जो करता है ना इंसान खुद करता है, आपकी सोच आपके साथ है, नेगेटिव सोचो पॉजिटिव सोचो घटिया सोचो बढ़िया सोचो, और ज़िंदगी एक तजर्बा है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ज़िंदगी में आपको तजर्बा होता जाएगा। आप भी बच्चे पैदा हुए थे फिर बड़े हुए फिर उसके बाद शादी हुई फिर आपने अपने बच्चों की शादी की फिर बूढ़े हुए हैं, ऐसे होता है ना। तो देखिए मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये काली माँ है, ये माँ मेरे को, हम इसको शक्ति मानते हैं अपने देवी देवताओं में, परम शक्ति तो कोई है ही है ना जिसने ये संसार बनाया है। लेकिन मैं अपनी मर्जी से जहाँ इनको भेड़ चढ़ा रहा हूँ फूल चढ़ा रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने मन से कर रहा हूँ। क्यों हर आदमी आता है कोई किस तरह पूजा करता है किस तरह करता है, काली माँ नहीं कहती किसी को, काली माँ नहीं कहती किसी को, आपके अंदर से आवाज आती है कि मैं ये करूँ मैं वो करूँ, आप ही हैं जो कुछ हैं, ये तो एक आसरा है ये तो एक शक्ति है। चलो बात हम यहीं कर अपना जो हमारा जहाँ पर ये बातचीत करने का जो इस समय जहाँ से हम शुरू होते हैं रेलवे लाइन के नीचे खड़े हो जाते हैं हम जहाँ ये जो इस समय जहाँ पर ये सभी देवी देवता भी यहाँ पर हैं। लेकिन लोग कितने हमारे स्वार्थी होते हैं हिंदू खासकर जो हम लोग हैं, पूजा पाठ करने के बाद भगवान को भी ये इधर उधर यार भगवान जी अब जाओ तुम आपकी ज़रूरत नहीं है, ये सब भगवान हमारे यहाँ आ जाते हैं। अरे वाह यार यार भगवान से तो ऐसा ना किया करो ना, इंसान से खास कर नहीं करना आप लोगों ने। जिंदगी जो ही चलती रहेगी, देखिए कितने लोग हैं आप, अरे अरे कितनी आबादी है, आदमी पैदा होता है पता नहीं क्या क्या सपने लेता है, एक लालच दुकान पर जाते हैं उनका दुकानदारी का काम है उनको दुकान के बारे में मालूम है, एक डॉक्टर जी होते हैं उन्हें यही मालूम होता है कि कौन सी दवाई देनी है, वकील साहब होते हैं वो अपना रोटी रोजी के लिए कचहरी में चले जाते हैं, कोई दुखी आए जो मर्जी आए उन्होंने तो सिर्फ उनको कैंची से जाने के उनका उल्टे उस तरह से जाने के, आप जानते हैं ना डॉक्टर भी ऐसे करते हैं क्योंकि उनके लिए कोई नहीं है सबको लूटना है। आजकल कहते हैं कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग गया, ये आपने जज के सामने जय बोल दिया वो बोल दिया, जज के अगर जज कोई गलत करता है तो इसका मतलब कहीं उनकी सुनवाई नहीं होगी, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा उठा कर अंदर दे दोगे आप लोग, यार आप लोग इतने बुजदिल आदमी हो अगर गलत होता है गलत के लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते क्या, गलत को गलत कहने की आप में हिम्मत नहीं है, अगर समय पर ही आप गलत को गलत कहना शुरू कर दो ना तो आगे जुल्म ना बढ़े, आप लोगों में हिम्मत ही नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ होती है, आप लोग नहीं जानते ना जज क्या होते हैं वकील क्या होते हैं डॉक्टर क्या होते हैं बंदा क्या होता है, आपके बिजनेस के बारे नहीं मैं जानता, जो मैं जानता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। बिजनेस तो यही होता है कि जब आप छोटे से बड़ा कारोबार करते हैं बड़े से बड़ा करते हैं, पहले आप रेड़ी लगाते थे उसके बाद फिर आपने दुकान ले लिया उसके बाद फिर उसने आपने बड़ा गोदाम ले लिया आपका कारोबार बढ़ता रहा, यही तो कारोबार है, धंधा वही है सोच वही है, जैसा आदमी काम करता है वैसी सोच बन जाती है, किसी के पास कुछ नहीं है, अपनी जिंदगी यात्रा पूरी करने के लिए आए हैं आपके गुरु महाराज जी जय डॉक्टर जय वकील जय नेता जय सब लोग जो है अपनी यात्रा कर रहे हैं, जे लोग संसार चल रहे जे उनके पास भी कुछ नहीं है, डॉक्टर बीमार होता है पता नहीं होता है, एक डॉक्टर इधर पिछले दिनों उसका 3-4 पीढ़ी मैंने देखी है उनकी वो हमारे सिविल लाइन में ही है, और भाई डॉक्टर की मौत हुई तो अगले दिन उसका सारा समेट है चौथा कहते ना इसको उसका रसम पकड़ी वगैरह अगले दिन ही कर दी, जैसे जैनी लोग करते हैं वैसे ही कर दिया काम, चल भाई तू जा जा बस, अरे यार छोटी उम्र थी भी 70 पार किए थे उसने भी 80 तो प्लस के ही नहीं थे उसने, डॉक्टर भी यार क्या सारे डॉक्टर हैं इतनी दिन पीढ़ियाँ हो गई हैं कि अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, बड़े सारे सोचने की बात है, डॉक्टर हो वो तंदुरुस्त ना हो डॉक्टर वो हेल्थी ना हो यार सोचने की बात है, कर्मों का लेखा होता है ना जनाब, और कर्मों का लेखा होता है लाला जी। अब मैं एक सवेरे सवेरे ना घूमता हूँ गली में चक्कर लगाता हूँ, देख बुजुर्ग मेरे को राम राम करता है, मैं नहीं जानता उसको मैं भी राम राम कर देता हूँ, वो कई बार नहीं आता तो हम सोचते हैं यार अभी तक आया नहीं लेट हो गया, तो हम सोचते हैं चलो किसी का मन मेरे को देख के या हमारा किसी को देख के थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है दूसरी तरफ हट जाता है, कभी आप किसी से बात करें ना उसका मन दूसरी तरफ चला जाता है, हिलाने की कोशिश की है ना पता लग जाएगा आपको उसमें दम है या नहीं है,
बहुत सारी बातें जितनी मर्जी करते रहें, लेकिन आप बातें नहीं करोगे ना। अगर आपका कोई धंधा है, कोई बिजनेस है, आप अगर क्रिएटिव माइंड नहीं है, क्रिएटिव माइंड होता है आप कुछ नया खोजने लगे हैं ज़िंदगी में। हर इंसान को कुछ नया खोजना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। जब अगर आप कुछ नया नहीं ना करते दुनिया में, तो जैसे आए थे वैसे चले जाओगे, कीड़े मकोड़ों की तरह चले जाओगे। पांच इंद्रियां उनमें हैं, पांच इंद्रियां हमारे में भी हैं, पर हमारी सोच और उनकी सोच में बहुत अंतर है। अरे हम तो सोटी लेकर ना, लाठी लेकर, डंडा लेकर बंदरिया को भी नाचना सिखा देते हैं, आदमी होता है ऋषि भी सीख लेता है। बकरा भी एक के ऊपर एक रखते रहो ना, ऊपर चढ़ जाता था पहले, अब तो तुम्हारे साथ खाना बंद कर दिया। सड़कों पर जो चलता था कहते नहीं 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 नहीं, ये तमाशा मत दिखाओ सड़कों पर जानवरों का, जानवर अत्याचार होते हैं। अत्याचार होता है तो भैया सीखता भी तो है ना कुछ, वो डंडा दिखा कर ही सीखते हैं ना। तभी तो अंग्रेजों ने हैंटर लेके हाथ में जो इतनी दिन बड़ी रेलवे लाइन बनवा दी थी, इतनी दिन बड़ी नहरें खुदवा दी थी उन लोगों ने। अब थोड़ी थोड़ी हमारे को अकल आ रही है, अभी इतनी नहीं आई है। गाड़ी दिखाओ गाड़ी, यहाँ देखिए ये लाइने जो है ना, जो 150 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाई थी, अभी एक हमारा रिलेटिव है यूएसए से आया, यार कुछ नहीं है वहाँ पे, कहता कुछ नहीं है वहाँ पे, कहता जो मज़ा इंडिया में कहीं भी नहीं है। लोग यूएसए के सपने देखते हैं, वो कहता जो मज़ा इंडिया में है ना कहीं नहीं है। कहता हम उनसे 200 साल पीछे हैं अमरीका वगैरह से, जो चीज़ें अभी यहाँ पर आई नहीं ना वो वहाँ पर हैं, वो सब चीज़ें बहुत पीछे हैं, हम 150-200 साल पीछे हैं उनसे। जो आज जो आप देख रहे हैं ना गाड़ी चलती हुई, तेज गाड़ी चलती हुई, वो पहले चल चुके हैं, 100 साल पहले वहाँ चल चुकी हैं। हमारे नेता ही पता नहीं क्या करते हैं, किसी को पता ही नहीं है हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, कहाँ चोर बुजारी ठगी कर रहे हैं लोग, किसी को कोई पता नहीं। पता भी है तो बोलते नहीं हैं लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, फिर सबसे बड़ा रोग जो है ना बोलना नहीं, यार मैंने क्या लेना यार। बड़ी बातें करेंगे, तजर्बा बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत मेरे पास बातें हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये शेयर भी कर दो, क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, आगे आगे देखो क्या होता है। बस आप क्रिएटिव, आप कुछ जिंदगी में करने के लिए सोचिए। अभी मैं दुनिया से अलग करूंगा बस, चाहे आप बाल खड़े करके चलिए बाजार निकले ऐसे करके, अरे यार आप तो लग ही है ना, मुंह पे ऐसा फेर लो, एक तरफ वाइट और एक तरफ ब्लैक, लोग देखेंगे ना कुछ नया करते हो ना यार। हिम्मत से नहीं कर सकते वैसे ही कर लो यार ड्रामेबाजी, हैं चलते हैं यार।